नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की हमारी वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 10 अमेजिंग मैथमेटिकल मिरेकल ऑफ कुरान। ये जो वीडियो है ये इंडियन मुस्लिम चैनल का है और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कुरान के वो कौन से अमेजिंग मैथमेटिकल मिरेकल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। कहो, अगर इंसान और जिन सब मिलकर चाहे कि कुरान जैसी कोई चीज बना लाए तो वो नहीं ला सकेंगे, चाहे वे आपस में एक दूसरे की मदद ही क्यों ना कर लें। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को, यहाँ तक कि जिन्नों को भी खुला चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो कुरान जैसी कोई चीज बना के दिखा दो। कुरान तो बहुत बड़ी है, एक सूरह ही, सूरह भी छोड़ो, कुरान की एक आयत जैसी ही कोई आयत बना के दिखा दो। चाहे दुनिया के सारे साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के फिलोसोफर्स, पूरी दुनिया के लेखक शायर सब इकट्ठा हो जाए तो भी इस कुरान जैसी कोई चीज नहीं बना सकते। दोस्तों, कुरान मिरिकल्स यानी करिश्मों से भरा पड़ा है। चाहे साइंटिफिक मिरिकल्स हो, हिस्टोरिकल मिरिकल्स हो या दुनिया व आखिरत के बारे में करिश्मे हो, मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि कुरान में नंबर मिरिकल यानी गणितीय करिश्मे भी मौजूद हैं, जिनको सुनने के बाद यकीन मानिए आपका दिमाग हिल जाएगा। नंबर 7 का मिरिकल। दोस्तों, हमारी जमीन की 7 परतें हैं, वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर की भी 7 परतें हैं। यहाँ तक कि कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह ने आसमान भी 7 ही बनाए हैं, मगर साइंस अभी तक पहले आसमान को भी पार नहीं कर पाई है। खैर, आज मैं आपको कुरान में नंबर 7 से रिलेटेड अमेजिंग कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, कुरान में आसमान 7 बताए गए हैं और हैरानी की बात है कि कुरान में 7 आसमान वाली आयतें भी 7 ही हैं। अल्लाह ने जहन्नुम के 7 दरवाजे बनाए हैं और हैरत की बात है कि कुरान में जहन्नुम लफ्ज 77 मर्तबा आया है, जो कि 7 का गुणा है। अमेजिंग। दोस्तों, कुरान में पहली मर्तबा 7 लफ्ज यानी सबा सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में आया है और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र सूरह अन्नबा की आयत नंबर 12 में आया है। अब यहाँ अपना दिमाग तेज रखना क्योंकि अब आप और भी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन आयतों में आया है उनके बीच क्या खास है? गौर करेंगे तो पाएंगे कि पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन सूरह में आया है यानी सूरह बकरा और सूरह नबा, इन दोनों सूरह के साथ इनके बीच में भी टोटल 77 सूरह है, जो कि 7 का सीधा गुणा है। सुभान अल्लाह। तो तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? अभी आगे और देखिए। जिस आयत में 7 लफ्ज पहली मर्तबा जिक्र हुआ, उस आयत से आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र वाली आयत तक टोटल 5649 आयतें हैं। अमेजिंगली ये नंबर भी 7 का गुणा है। 7 लफ्ज पहली बार सूरह बकरा में और आखिरी बार सूरह नबा में आया। अब आप गैस करिए कि इसमें अल्लाह की क्या कुदरत छुपी है। आप अगर गौर करो तो सूरह बकरा से सूरह नबा तक कुल 5705 आयतें हैं, जो सीधा 7 का गुणा है। पहली मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया उससे पहले टोटल 35 आयतें हैं, 7 सूरह फातिहा की और 28 सूरह बकरा की। ये 35 नंबर भी 7 का गुणा है। और आखिरी मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया यानी सूरह नबा की आयत नंबर 12, इस आयत से पहले कुरान में 5684 आयतें पड़ती हैं। हैरानी की बात है कि ये नंबर भी 7 का मल्टीप्लाई है। क्या अब भी लोग यही कहेंगे कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? तो फिर आओ और सुनो। कुरान में आदमी लफ्ज 24 बार आया है तो वही औरत लफ्ज भी 24 बार ही आया है। दुनिया लफ्ज 115 बार तो आखिरत लफ्ज भी 115 बार। 88 मर्तबा फरिश्ता लफ्ज तो जनाब 88 मर्तबा ही शैतान लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। 145 बार जिंदगी लफ्ज तो 145 बार ही मौत लफ्ज का जिक्र कुरान ने किया है। क्या अब भी यही कहोगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है? हदीसों के मुताबिक जकात देने से मालो दौलत में बरकत होती है, यानी जकात और बरकत लफ्ज का एक दूसरे से कनेक्शन है। अब देखिए, कुरान में जकात लफ्ज 32 बार आया है तो वहीं बरकत लफ्ज भी 32 बार ही आया है। इबलीस, जो सारे शैतानों का सरदार है, कुरान में इबलीस लफ्ज
11 बार आया है। हैरानी की बात है कि कुरान में इबलीस से पनाह मांगने का जिक्र भी 11 बार ही हुआ है। दोस्तों, हम पर जब कोई मुसीबत आती है और जब अल्लाह ताला उस मुसीबत को हम पर से टाल देता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, है ना। अब देखिए, कुरान में मुसीबत लफ्ज 75 मर्तबा आया है तो शुक्र लफ्ज भी 75 मर्तबा ही जिक्र हुआ है। क्या कोई इंसान इतनी बड़ी किताब में इतने अमेजिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी 1400 साल पहले। अगर अब भी कोई डाउट है तो आओ और आगे ले चलता हूँ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। और 12 महीनों में दिन कितने होते हैं? 365। ठीक है, अब आइए कुरान मजीद की तरफ। कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 12 बार आया है और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार आया है। जितने महीने उतनी बार जिक्र, जितने दिन उतनी बार जिक्र। अल्लाह की इस गणितीय कुदरत में एक साइंटिफिक फैक्ट भी छुपा है। साइंस कहती है कि ये 12 महीने और महीनों में 365 दिन का होना दरअसल धरती का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने से होता है। यानी धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में 12 महीने या 365 दिन लेती है। अब गौर करिए कि अल्लाह ने कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र 12 बार और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार करके ये बताया है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। सुभान अल्लाह। सोचो, अल्लाह ने ये बात 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दी थी, जब साइंस का कुछ अता पता भी नहीं था। तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? मुझे पता है इनकार करने वाले लोग अब भी यही कहेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो चलो, एक और अमेजिंग न्यूमेरिकल मिरिकल आपके सामने रखता हूँ, इसको जरा झुठला के दिखाओ। दोस्तों, कुरान में समुद्र लफ्ज 32 मर्तबा आया है और जमीन लफ्ज 13 बार आया है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई मेल नहीं बैठा, है ना। लेकिन अगर आप इन दोनों नंबरों को जोड़ दे, यानी 32 + 13, तो बनते हैं 45। अब भी कोई मेल नहीं बैठ रहा। सुनिए, साइंस कहती है कि हमारी पृथ्वी का 71.1% हिस्सा पानी यानी समुद्र है, जबकि 28.8% हिस्सा जमीन से घिरा है। अब आओ कुरान में दिए गए समुद्र और जमीन लफ्ज की परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं। दोनों नंबरों को जोड़ने पर बनते हैं 45। ठीक है, समुद्र का प्रतिशत निकालते हैं। 32/45 × 100 निकलता है 71.1%, और जमीन का प्रतिशत निकालते हैं तो 13/45 × 100 आता है 28.8%। ये दोनों एग्जैक्ट वही प्रतिशत है जो आज हमें साइंस समुद्र और जमीन के बारे में बताती है। अल्लाहु अकबर। तो क्या अब भी कोई है जो अल्लाह की इस गणितीय कुदरत को झुटला दे? नहीं झुटला सकता। अगर कोई डाउट लगता है तो कुरान में ये सब चेक कर सकते हो। पूरी दुनिया इस कुरान में गलतियां ढूंढने में लगी पड़ी है, मगर आज तक एक जर्रा बराबर भी गलती इस कुरान में नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि ये किताब उस वाहदहु ला शरीक की तरफ से है जिसने इस दुनिया को थाम रखा है, जिसने इंसानों, जिन्नों, जानवरों, पहाड़ों, समुद्रों, हवाओं सबको पैदा किया। वही हर शह को कंट्रोल करने वाला है, वही जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है, वही अल्लाह है। ये तो सच है कि इतना एग्जैक्ट नंबर किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है कि जब वो कुछ लिखे और या कुछ भी काम करे तो उसको इतना प्रॉपरली मेजर करे कि ये चीज़ मैं इतनी बार मेंशन कर रहा हूँ तो उसके जो अपोजिट कोई वर्ड है तो उसको भी इतनी टाइम ही मेंशन करना चाहिए। और सारी आयतें एक साथ में तो लिखी नहीं गई थी, कोई 23 ईयर्स लगे थे पूरी कुरान को कंप्लीट होने में। तो इतने सालों में उन चीज़ों का ध्यान रखना कि अच्छा, अगर मैंने उस आयत में ये लिखा था और वो इतने नंबर पे थी तो उसके बाद में इतने नंबर्स के बाद में या इतनी आयतों के बाद में मैं ये वाली आयत लिखूं, या ये वाला वर्ड इतनी बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, अब दोबारा इतनी बार होना और होना चाहिए उसकी कैलकुलेशन। किसी भी आम इंसान के पास की ये बात नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रख सके जब वो कुछ लिख रहे हैं। तो इसीलिए तो बार बार उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की है कि और कितनी निशानियां तुम्हें चाहिए ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि ये जो कुरान है वो उस खुदा की ही भेजी हुई किताब है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे सुन के हैरानी हुई, इसमें जो उन्होंने समुंदर का और धरती का बताया था कि समुंदर 32 टाइम और धरती का 13 टाइम जिक्र हुआ है, और उनका जब हम लोग रेशो निकालते हैं कि टोटल 45 का कितना परसेंटेज निकलता है, कि 32 कितना परसेंट है और 13, तो
वो एग्जैक्टली वही आ रहा है जो आज के साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है। और बोलते हैं ना कि किसको पता होता है कि ये चीज़ें इतनी हैं या इतने परसेंट हैं या इतने दिन होंगे या धरती इतने दिनों में चक्कर लगाती है सूरज का। तो ये सब उस क्रिएटर को ही पता था। तो उस क्रिएटर के खुद के वर्ड हैं जिसे हम बुक ऑफ मिरेकल बोलें या बुक ऑफ नॉलेज बोलें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी नॉलेज हमेशा इन्हेंस करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे सुनने के बाद में हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो कुरान है ये उस रब के खुद के अपने ही वर्ड हैं। मेरे सबसे बड़ी बात है कि कोई इंसान आज तक ऐसा नहीं हुआ है, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं पैदा हुआ जो इस बात को प्रूव कर सके कि नहीं, कुरान में कोई भी चीज़ गलत लिखी गई है। इस सबको ओपन चैलेंज दिया गया है कि मतलब आप एक इसकी आयत को भी गलत प्रूव करके दिखाओ अगर आप कर सकते हो। बट अभी तक कोई एक लफ्ज़ को भी नहीं गलत प्रूव कर पाया, पूरी आयत को तो, या कुरान को गलत प्रूव करना तो किसी के बस की बात ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा इस वीडियो पे रिएक्ट करके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे हम रिएक्ट करें तो प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।